कुछ बोल दो तो गुस्सा हो जाते है ना। मीट काजू सब कुल मिला के सब कुछ मेरा कुछ 30,000 से ऊपर बन रहा है। सी गाइस कितना घेर है इसमें। दिस इज द रियलिटी ऑफ शॉपिंग फॉर वेडिंग ऑल। मैंने इसके अंदर ब्राउनी पहनी है एंड लुक एट द बैक। Each one of us has gone through a lot. Hey guys, it's Shalini. Welcome back to my channel and welcome to this very impromptu vlog that I've decided to do. This is gonna be a weekly vlog. जून महीने को खत्म होने में 10 दिन रह गया। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा लगा कि पूरे महीने में मैंने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं। आई टुक लाइक 2 हफ्ते का ब्रेक। उसके बाद आई पोस्टेड 2 वीडियोज सो फार जून के महीने में। आई हैव नेवर डन इतना कम काम इन माई 4 ईयर्स ऑफ क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन माई चैनल। बाय द वे व्हाट आई एम डूइंग करेंटली इज दैट आई एम अप्लाइंग फॉर माई 100K प्लैंक। फाइनली आई एम डूइंग दिस। योर गर्ल इज फाइनली अप्लाइंग फॉर इट। मुझे लगता है कि जब 100K हिट किया था तभी प्लैंक के लिए अप्लाई करना चाहिए था। बट तब मुझे ना ऐसे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपना 100% देती नहीं हूँ चैनल को। डू आई इवन डिजर्व दिस? बट आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू गाइज ऑल्सो, यू नो। फॉर ऑल दस पीपल हु हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई वॉन्ट टू डू दिस। आई वॉन्ट अप्लाई फॉर दिस प्लैंक फॉर यू ऑल्सो। एंड आई रियली वॉन्ट माई प्लैंक बिफोर माई बर्थडे। दैट इज गोना बी लाइक माई बर्थडे गिफ्ट टू मी। सो आई स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन विद द गूगल सपोर्ट टीम and after like long waiting they said that they are going to review my channel whether it's eligible for 100K plank and then they will reply back within 24 hours via mail. Guys, I was checking my emails, okay, and look, I got this email. What the hell is this? Instagram badge verification request. Okay, this is a scam message. Okay, email verified badge alert, and they are asking me to fill this verification form aur usme sare details wo mangenge mujhse, ye wo bhar do aur jo bhi links main de dungi na, and they will have all of my information. They might hack my account, like Instagram account, Facebook account, and maybe I don't know, YouTube account. This is such a scam message. Mere dimag mein scam 1992 ka song baj raha hai. What is this? और पता कैसे पता चलता है कि ये स्कैम मैसेज है? सबसे पहले डोमेन चेक किया करो। लुक एट द डोमेन, gmail.com से भेजा गया है। What the fuck? और वैसे भी why would Instagram send me this? मैंने अप्लाई भी नहीं किया है इसके लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ दी नेक्स्ट डे। कल रात को मैंने ना शावर लिया था इसलिए मेरे बाल ऐसे थोड़े से मेसी लग रहे हैं। एंड इट्स करेंटली 5:30 इन द मॉर्निंग। आई हैव बीन अप सिंस 4:30। आई कैन नॉट गो बैक टू स्लीप। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है क्योंकि कल रात को मैंने खाना नहीं खाया था। मन नहीं कर रहा था, अजीब अजीब सा लग रहा था। सो आई हैव दिस बनाना एंड आई एम गोना ईट दिस एंड वी आर इन द किचन राइट नाउ। अभी लियो भी नहीं उठा। यूजली वो मेरी आवाज़ सुन के उठ जाता है। आई थिंक इज अप नाउ। आई हैव टू चेक अगर मैं इतनी सुबह सुबह उठ जाती हूँ तो। बट क्योंकि कल उसकी तबीयत भी ख़राब थी, उसने थोड़ी सी वॉमिटिंग कर दी थी, थोड़ी सी क्या काफ़ी ज़्यादा कर दी थी, तो ही इज़ नॉट फीलिंग वेल हेल्थ वाइज। सो या ही स्लीपिंग। All right, so I think I'm gonna make some bullet coffee also for myself, and that is ghee coffee. वो पीने से ना मुझे इतनी ब्लोटिंग जैसी नहीं लगती। अदरवाइज अगर मैं दूध वाला कॉफ़ी पी लेती तो एकदम पेट ब्लोटेड लगता मुझे। सो बनाना एंड बुलेट कॉफ़ी इज व्हाट आई एम गोना हैव लाइक अर्ली ब्रेकफास्ट। अच्छा, मैंने आधा चम्मच घी डाला है, थोड़ा सा हॉट वाटर, कॉफ़ी, स्टीविया एंड एरिथ्रोल पाउडर। That's 1 tablespoon stevia and 2 tablespoon erythritol powder. We blend it now. Say blend it now. It's gonna turn frothy and milky. Much later. Hey guys, just finished filming this makeup look for the channel. मैं इसे natural light में film कर रही थी. So this is actually behind the scenes. अभी तो ये मैंने समेट लिया, वरना बहुत ही खराब हालत थी. Let's edit. Look at that dhoop on my face, guys. और अब चली गई धूप। ये वाले एरिया पे कभी बैठ के एडिट नहीं किया मैंने वीडियो, बट यहाँ पे शाम को बहुत अच्छी धूप आती है। रीज़न बींग क्यों एडिट या फिल्म नहीं करती ये वाला एरिया नहीं दिखाती, क्योंकि ये पीछे ना ये बैग वाला शेल्फ है, तो उसमें से बैग स्टफ करके रखा गया है।
और कहीं बैग रखने को जगह नहीं है इसके अलावा. That's the reason. I want to show you something. I received this beautiful PR package today. Okay, from an Instagram store, auras.in. I hope I'm pronouncing their name correct. And this is a jewelry store and they have sent over these pieces. Thank you so much. Please check them out, you guys. Okay, they reached out to me. I said, yes, why not send me your jewelries? I love to wear ethnic anyway. And I got them and I cannot wait to style them. Thank you again. There is another PR. I got this beautiful sabun ka box from M Caffeine. Okay, these are like different coffee ranges and I have their hair care range, their body scrub. I love that. Their face masks. Okay, and I cannot believe they have sent over so many products to me. Maine is brand ke saath kaam kiya hai do bar and I love, love, love their body scrub. Okay, I'm gonna gift this to Papa. I think 4:30 baje jab main jagi thi na, that's hitting me now. Whatever, I will take aadhe ghante ka nap. 72 hours late. Oh, nahane ke baad bhi itni garmi lag rahi hai mujhe. बाल भी नहीं सूखे मेरे. एनीवे, आई एम वेयरिंग दिस सिल्वर इयररिंग्स. ओके, जो मुझे पीआर में मिला था बहुत ही लाइट वेट है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है विद दिस चिकनकारी कुर्ता आई एम वेयरिंग. ओके, इट्स अ कॉटन कुर्ता. आई गॉट दिस कुर्ता फ्रॉम गोवा. अभी तक मैंने गोवा शॉपिंग हॉल वीडियो भी पोस्ट नहीं किया है और आज मैं शाम को जाने वाली हूँ अपने एक फ्रेंड से मिलने. उनका नाम है अपूर्वी और शी ओन्स दिस ब्यूटिफुल एथनिक फैशन स्टोर. So basically there is an intimate wedding coming which is going to happen in 2nd and 3rd July and I am going to be attending that wedding. I'm so excited for this wedding. Already ek baar ye postpone ho chuka hai wedding and this is one of my close friends sister's wedding and I'm excited for it. I've already started shopping for it. So maine Nykaa Fashion se kareeban kuch 22,000 ki shopping ki hai. Ek order to maine kal raat ko hi place kiya tha for a bag. So maine mangaye hain kuch suit set, kuch heavy ethnic suit set jo aise parties mein या फिर वेडिंग फंक्शन में काम आ जाएंगे. और मैं पता है क्या करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे कपड़े खरीदती हूँ जो मल्टीपर्पज़ वे में मैं स्टाइल कर सकूँ और मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मिले Nykaa Fashion में. दैट्स लियो बाय द वे. और फिर मैंने आजियो से कम ऑन लियो व्हाट हैपेंड. अब तो मैंने ऐप भी खोल लिया आपको बताने के लिए. और आजियो से मैंने मंगाए हैं शूज़ जो कि कुछ 2600 के पड़े मुझे. ठीक है, और फाइनली आई ऑर्डर्ड वन मोर कुर्ता लास्ट नाइट फ्रॉम अमेजोन. ओके, आई ऑर्डर सम स्टफ फ्रॉम मिंत्रा ऑल्सो. आई ऑर्डर लॉट ऑफ लाइक एथनिक वाले सुंदर सुंदर मास्क फ्रॉम मिंत्रा. सो कुल मिला के सब कुछ मेरा कुछ 30,000 से ऊपर बन रहा है. एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज लेट मी अलोन. सो मैं अभी रेडी नहीं हो रही, जब रेडी होंगी ना तब आपसे मिलूंगी. माई सिस्टर इज हियर. दीदी ऐसे पीस साइन दो पीछे से. Thanks, Didi. The next morning. Hello. हाँ भैया, कैब बुक करी है मैंने. जी मैम, 5 मिनट में आ रहा हूँ. आपकी लोकेशन तो सही है. हाँ हाँ, वहाँ मैं आ रहा हूँ आपके. ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट डे. मैंने अभी भी कैब बुक किया है, कल मैं जा नहीं पाई थी. अपूर्वी वाज बिजी एंड दैट्स माय सिस्टर्स लेग्स. ओके, और आज मेरे कुछ कुछ पार्सल आ गए हैं. Nykaa से दो पार्सल आया है मेरा. दीज आर सूट्स दैट आई ऑर्डर. आई ऑल्सो हैव माई आजियो का पार्सल. और अब मैंने मास्क पहन लिया. गुड. Meet Apurvi, everyone. Hi. And this is her store. Lights are not even lit. अब वो फैंसीनेस दिखाएंगे अपने स्टोर का सब लाइट्स ऑन करके. यस, यू गो गर्ल, डू इट, डू इट फॉर द व्लॉग. एम आई वेयरिंग द दुपट्टा राइट? या, यू कैन कैरी इट हाउएवर यू वांट. सो कैमरा भी अच्छा लग रहा है वो. नहीं, कैमरा भी अच्छा लग रहा है. Guys, I have something so sexy for you. Are you guys ready for it? Look at this. Okay, मैंने इसके अंदर brownie पहनी है and look at the back. Look at the back. Turn.
अभी भी फ्रेशली डिजाइन होके आया है ये. दिस इज सो स्ट्रेट आउट ऑफ द वर्कशॉप. या लुक एट द डिटेलिंग इट हैज. दिस इज चिकन करी, प्योर चिकन करी. गाइस वी आर फिल्मिंग सम रील्स फॉर इकाकी. ठीक है, एंड सम चाय इज हैपनिंग देयर. देयर चिप्स एंड चाय इज हैपनिंग. एंड ये हमारी डीओपी कैमरा वुमन. ठीक है, मैंने बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं की है ना. मैंने बोल की कुछ बार्गेनिंग नहीं की. देखो, ऐसे दोस्तों का कोई फायदा नहीं होता. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट आई एम डूइंग दिस ऑनेस्टली अपूर्वी, मैं तो जो बोल रही हूँ, मैं बाहर से भी खरीद सकती थी और मैंने खरीदा भी है. ठीक है, मैंने इसे बताया भी, दिखाया भी, काफी शॉपिंग करी. हाँ, नॉट फ्रॉम नॉट कूल. रुक, आने दे पॉइंट पे. But I so want to support your brand, not just as a friend, but also I know that this time has been so hard for all of us. It's been difficult, right? Of course, yes. So my point to you all, my fam, ki you know, support the local businesses, upke city ke businesses. You're supporting a dream. Possible. You're literally supporting so many families. Yeah. I mean, look at that. These two girls, they want their asses off. My workshop, I'll show you someday, maybe. I'll show you. These are the families that we're supporting. Yeah. And paise upar niche thode ho jate hain, that's fine. You have to like consider these opportunities that you're giving to this people. Yeah, because you actually like, you know, you never know where the person is coming from. Yeah. And how they started and how they're, you know, going about it. Each one of us has gone through a lot. But that's okay. We're stronger than we think. Yeah. आपको बछड़ा दिख रहा है, बछड़ा उसकी मॉम को ढूंढ रहे हैं. एंड देयर मॉम इज समवेयर देयर. देयर कैन यू सी द मदर? शी फाउंड हर मामा. इसका नाम टेडी है. टेडी देरी जा रही. चलो खाना खा लिया. चलो आओ कम हम कंप्लीट हो गया. अभी हम जा रहे हैं डेयरी, क्योंकि मॉम ने बोला है दूध अंडा और क्या बोला, केला लेने के लिए आ रहे हैं क्या वो. ओह, मीट काजू फॉलोइंग अस फॉर खाना. कौन में लियो? बाल्टी के पीछे लियो. पूछ लाता हुआ कौन में? हाय लियो, हाय बच्चू. यस, स्मेल ऑल दिस न्यू स्मेल्स. चलो आओ लियो. वाह, और फाड़ दो तुम मेरी फटी जींस. चलो आओ. आई एम बैक होम. दूध और अंडे निकाल के मैंने दूध का पैकेट सैनिटाइज कर दिया और अंडे भी सैनिटाइज करके फ्रिज में रख दिए. अब मैं जा रही हूँ ऊपर. ठीक है, बैग सैनिटाइज करना रह गया, बैग सैनिटाइज करूँगी मैं. ओके, सो मैं रूम पे आ चुकी हूँ और मैंने नायका के पार्सल्स दो जो आए थे वो भी खोल दिए हैं. दे बोथ आर रेड सूट्स. आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू दिस वन. दिस सूट सेट यू ऑल. आई मीन लुक एट इट, सो फ्रीकिंग प्रिटी. अभी पहना नहीं है. So this is the most pricey item that I bought for this wedding. Oh, I seriously cannot wait to like style it and see how it looks on me. See, and it's time to show you all the shoes that I got from Ajio. Actually, you know what? Let me wear them and show you. And I bought golden shoes. This is from Kajal Nandan. Yes, I have the biggest feet of all. कभी कभी मैं भी अचंभित हो जाती हूँ ये देख के कि मेरे पैर कितने बड़े हैं. But that's the reality. Alright, so this is heel number one. Okay, I honestly like it. The size is actually really good for this. But the thing that I don't like is this thing right here. यहाँ पे इलास्टिक ऐड किया तो ये बहुत लूज सा लग रहा है मुझे. और ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही लूज है ये वाला. Look at me, पजामा में शूज ट्राई कर रही हूँ. This is the reality of shopping for wedding y'all. Okay, let's try shoe number two. The angle is so weird. Oh, I like it. Good. I really like the right one.
as compared to the left one, because again the same issue, the elastic, it's so dheela now. It has a little bit of elastic here, can you see? So I don't know whether I will keep this or not, but I don't have any choice left. Can you see piche gana? Yes, it nikal gaya. This is by this brand Foot. And I don't think so it's gonna fit me all. Nope. My legs are struggling and it doesn't fit me. Wow. Oof. No. किसको चिल्ला रही हो दीदी? खाने को खोज रहा है ये लियो। Look at my room. थोड़ा बहुत ऐसे शादी वाला रूम लग रहा है ये. Guys, my doggo is here. सिर्फ खाने आते हैं यहाँ पे. कुछ बोल दो तो गुस्सा हो जाते हैं ना? हाँ, grumpy doggo हमारा. Okay, so I'm gonna return this outfit, this I've decided to show you. Firstly, let's just talk about the design. The design is so pretty, I really like it. It was around 4,200 rupees. Okay, so ye georgette material hai, bandhani print hai ye. And it's angrakha, bahut hi khoobsura design hai. Isme yahan pe beads diye gaye hain. Aur ये वाला दुपट्टा है इसके साथ, ठीक है. दुपट्टा हैज़ दिस बॉर्डर इन इट. आई थिंक आपको मेरा प्रॉब्लम समझ में आ गया. ये यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट है एंड मैं इस चेन को बंद तो कर पा रही हूँ, बट बंद करने के बाद मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ. ये पूरा ऐसे प्रेस हो जा रहा है मेरा ब्रेस्ट, ठीक है. एक साइज़ बढ़ा जाऊँगी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा वो, एंड इट वॉन्ट लुक गुड. आई एम गोना शो यू कितना घेर है इसमें. आई एम गोना टेक माई सिस्टर्स हेल्प. सी गाइस कितना घेर है इसमें. सो ये आउटफिट तो मैं नहीं रख रही, इवन दो आई रियली लाइक द वे इट लुक्स ऑन मी, बट द फिट इज सो ऑफ, सो आई रियली डोंट वांट टू कीप दिस. और इस हफ्ते में दो तीन दिन में ही कुछ ऐसा खास करने को था, तो मैंने सोचा व्लॉग करके आपको दिखा देती हूँ. अगर आप ऐसे और व्लॉग्स देखना चाहते हो देन प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद ब्रांड न्यू कॉन्टेंट फॉर दिस चैनल. कॉमेंट बोला क्या मैंने? कॉमेंट कर देना. बाय.